फ्रेंड्स, जैनिज्म का चौमासा सीजन चालू हो गया है। इट इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 मंथ्स एंड उसमें रिस्ट्रिक्टेड इंग्रेडिएंट्स अलाउड रहते हैं। सो उसे हम हर एक डिश में यूज करके इनोवेटिव बहुत सारे डिशेस बनाएंगे एंड जो इंग्रेडिएंट्स अगर आप नहीं भी खाते हो तो हर एक के लिए रिप्लेसमेंट पूरे वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो प्लीज एंड तक देखना। और हाँ, इवन बहुत सारी रेगुलर रेसिपीज भी अपलोड करती रहूंगी मैं। कीप वॉचिंग ऑल माई वीडियोज एंड स्टे कनेक्टेड। वेलकम टू साइलीज किचनेट। सो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉर्न से। यहाँ पे मैं कच्चा कॉर्न ले रही हूँ एंड इसे मैं थोड़ा सा ही चर्न करके ले रही हूँ। इसमें थोड़े से चंक्स रहने चाहिए। यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न यूज किया हुआ है, तो इसे मैंने कोरस चर्न करके ले लिया एंड इसे हम थोड़ा सा भी कुक करेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 TSP ऑयल एंड इसमें मैं सारा कॉर्न ऐड कर देती हूँ। ये स्टेप का रीज़न ये है कि कॉर्न में जितना भी नेचुरली अवेलेबल पानी रहेगा वो हमें पूरा निकाल देना है। एंड स्वीट कॉर्न के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन जाता है वो है बेल पेपर्स का या फिर कैप्सिकम, इसमें हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप कैप्सिकम लिया है एंड इसे भी कॉर्न के साथ हम थोड़ा कुक होने रखेंगे। इसमें थोड़े से कॉर्न के बड़े चंक्स भी मैंने ऐड कर दिए। अब इसके सारे फ्लेवर्स ऐड करते हैं। थोड़े से बारीक कटा हुआ ग्रीन चिली, रेड चिली पाउडर, यहाँ पे सिर्फ जीरा पाउडर मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा ही नमक, 1 TSP आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो थोड़ा चाट मसाला भी डाल सकते हैं एंड थोड़ा सा ही चिली फ्लेक्स एंड ओरिगानो, ये विदाउट गार्लिक पाउडर ओरिगानो है। और इसमें अब बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। अगर आप चौमासे में ब्रेड नहीं खा रहे हो तो आप यहाँ पे रवा डाल सकते हैं। अगर आप रवा भी नहीं यूज़ करते हो तो थोड़ा सा ही रोस्टेड ग्राम फ्लावर यानी चने का आटा रोस्ट करके इसमें ऐड कर देना। इसमें स्टार्टिंग में तेल हम थोड़ा ही डाल रहे हैं बिकॉज आगे के स्टेप्स में हमें तेल लगने वाला है एंड एक बहुत ही अच्छा टेस्ट, फ्रेश टेस्ट देने के लिए हम इसमें नींबू ऐड करेंगे। इसे अब थोड़ा ठंडा होने देना एंड उसके बाद हम इसके वर्टिकल टिक्की बना के लेंगे। तो इससे होगा क्या, हमें फ्रैंकी के बीचों बीच रखने में बहुत आसानी होगी। सो ये मेरे 2 टिक्की बन के रेडी है। यहाँ पे मैं वापस से थोड़ा सा ब्रेड क्रम लेके टिक्की को उससे कोट करके ले रही हूँ। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, आप इसे डायरेक्टली शैलो फ्राई करने भी ले सकते हो। ये थोड़ा सा डेलिकेट रहेगा तो उसे संभाल के ही तवे पे भी रखना एंड निकालते वक्त भी संभाल के ही निकालना बिकॉज हम इसमें बाइंडिंग एजेंट बहुत ही ज़्यादा कम डाल रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे शैलो फ्राई करके ले रही हूँ। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना था इसीलिए इसे शैलो फ्राई ही करना मैं प्रेफर करूँगी। अगर आपको कहीं पे भी ऑयल कम ज़्यादा लगता है तो आप बीच में 1 टीस्पून ऑयल डाल सकते हैं। इसे हम दोनों साइड से अच्छे से रोस्ट करके लेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसे हम रोस्ट करेंगे। सो अंदर के वेजीज भी अच्छे से कुक हो जाएंगे एंड फ्लेवर्स भी बहुत। अब हम टिक्कीज को एक प्लेट पे निकाल के रहते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल व्हीट रोटी बेल के ली है और इसे हम दोनों साइड से पकाएंगे और एक साइड से थोड़ा कच्चा रखेंगे। इसे हमें तलना नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये वाला रेसिपी आप लेफ्ट ओवर रोटी से भी बना सकते हो, सुबह की रोटी शाम में भी यूज कर सकते हो। सो अच्छे से पका हुआ साइड हम पहले लेते हैं एंड इस पे हम केचप और
मेयोनीज लगाएंगे। अगर आप मेयोनीज चौमासे में नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हो। एंड इसे हम अच्छे से स्प्रेड करके लेंगे रोटी पे। जो टिक्की बनाया था हमने कॉर्न टिक्की, वो हम सेंटर में प्लेस कर देंगे। एंड इस पे मैंने बारीक चॉप किया हुआ पनीर ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेशली होममेड पनीर यूज कर सकते हो। अब हम पनीर को थोड़ा सा फ्लेवरिंग देते हैं, तो इस पे मैं फ्रेशली ग्राउंडेड ब्लैक पेपर डाल रही हूँ एंड थोड़ा सा ओरिगानो हम यहाँ पे वापस ऐड करेंगे एंड चिली फ्लेक्स भी। तो यहाँ पे मैंने एक अच्छा क्रंच के लिए डाला हुआ है पत्ता गोभी। आप पत्ता गोभी स्किप भी कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ चीज। अगर आप चीज नहीं खा रहे हो तो आप पनीर को कद्दूकस करके डाल सकते हो। सो पनीर मेल्ट नहीं होगा बट सॉफ्ट एंड अच्छा फ्लेवर देगा। इसे हम दोनों साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके लेंगे एंड थोड़ा सा प्रेस करके लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट बटर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आप बटर नहीं खाते हो तो यहाँ पे घी यूज कीजिए। इसे मैं एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रही हूँ, उतना ही जितना जरूरत है। एंड दोनों साइड से हम बटर लगा के इसे रोस्ट करेंगे। रोटी को मस्त एक ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए, क्रिस्पी लुक आना चाहिए। और इसे हम पलट पलट के सारे साइड से क्रिस्पी करके लेंगे। सो ये बन गया कॉर्न फ्रैंकी रेडी। इसे अब हम मेसी प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पे मैं टमाटो केचप ले रही हूँ एंड इसे एक स्पून से इसे टैप करके मेसी लुक दे रही हूँ। एंड वापस एक थोड़ा शेड ऐड करने के लिए मैंने इसमें मेयोनीज का भी लुक दिया है। इसे मैंने सर्व किया है थोड़े से ही पत्ता गोभी के साथ। ये टोटली ऑप्शनल है। ये बन गया सुपर टेस्टी, सुपर इजी, बहुत ही क्विक बनने वाला जैन रेसिपी रेडी। सो प्लीज़ 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 वॉच दिस वीडियो, शेयर विथ योर जैन फ्रेंड्स। लेट्स ऑल एन्जॉय दिस जैन सीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी सब्सक्राइब्ड टू साइलीज़ किचन। बाय बाय।